नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल UP24 न्यूज और मैं आपके साथ शालू तोमर। फिरोजाबाद का नगर निगम अब रिश्वतखोर अधिकारियों का घर बनता जा रहा है। नगर निगम के दो अधिकारी रिश्वत लेते हुए कैमरे में कैद हुए हैं। मामला स्वच्छता अभियान को लेकर प्रदूषण फैलाने का है। इसमें अधिकारियों ने रिश्वत लेकर कम रुपयों की रसीद जुर्माने की काट दी और बाकी की ले ली रिश्वत। देखिए रिश्वतखोर अधिकारियों का ये वीडियो। जल्दी कराओ, टाइम वेस्ट हो गया तो खराब हो जाएगी। तो जल्दी करो, क्या पता कौन भरा कौन है। 400 रुपये आप देख सकते हैं यह नगर निगम के दो अधिकारी हैं। एक का नाम है दलवीर सिंह जो जोनल स्वास्थ्य अधिकारी है और दूसरे हैं लवानिया जी जो कि सफाई इंस्पेक्टर हैं। इन्होंने सतीश नाम के युवक से स्वच्छता अभियान के तहत प्रदूषण फैलाने के मामले में 15,000 रुपए रिश्वत के लिए हैं। इन्होंने सतीश को कहा कि तुम्हारे खिलाफ शिकायत है कि तुम कबाड़ा जलाकर प्रदूषण फैला रहे हो। इन अधिकारियों ने सतीश की 20,000 रुपए की रसीद नगर निगम से काट दी और 15,000 रुपए रिश्वत के लिए। लेकिन यह सारी घटना मोबाइल के कैमरे में कैद हो गई। नहीं, मैं तो घर पर सुबह 7 बजे ना रहा था तो वहाँ जो लड़के काम कर रहे थे उन्होंने मेरे पास फोन किया। छोटे भाई ने फोन किया, बोले भैया ऐसे ऐसे गोदाम पे 5 गाड़ियां आई हैं। मैंने कि मैं आ रहा हूँ, जब तक मैं गया तो गाड़ियां जा चुकी थी और जब वो वहां से आके हमारे घर पे गए तो वो अपना फोन नंबर हमें दे के आए थे, हमारे पिताजी को। तो बोले हमसे संपर्क कर लेना और जब बात होगी। तो मैंने उनसे फोन किया करीब 10 बजे, मैंने सर आपने नंबर दिया था, कहा मैंने नंबर दिया था तो मैंने आपसे मिलना है। बोले आप नगर निगम रैन बसेरा के साम बराबर में नगर निगम का ऑफिस है, वहाँ आ जाना। ठीक है सर। तो मैं 2:30 बजे ऑफिस गया सर। तो मैंने कहा साहब इस मामले को यहीं निपटा दो, जो भी आपने वीडियो क्लिपिंग की है या रिकॉर्डिंग की है जो उसे आप डिलीट कर दो और मामला वैसे ही सुलटा दो। तो बोले नहीं, 1,00,000 रुपए जुर्माना देना पड़ेगा और आपको माफीनामा लिख के देना पड़ेगा कि आज के बाद हम ये काम नहीं करेंगे। मैंने कि ठीक है साहब, मुझे 1 घंटे का टाइम दे दो, 1,00,000 रुपए मेरे पास तो अभी है नहीं, मैं इंतजाम करके आपको बताता हूँ। उसके बाद फिर मैं आधा घंटा बाद फिर दोबारा गया तो मैं अपने भाई को भेजा और एक लड़का और था, वो मेरा साला लगता है, तो उससे बात हुई 50,000 में। फिर ऐसे घटते घटते वो बात हो गई 35,000 में फाइनल। जो 35,000 रुपये मैंने उन्हें दिए थे उनके हमने सीरियल नंबर पहले ही वीडियो बना लिए थे। तो पहले उन्होंने 25,000 रुपये लिए, रसीद काटी। रसीद काटने के बाद मैंने कहा, उस लड़के ने कहा हमारे साले ने कि सर हमें रसीद दे दो। बोले 35 की बात हुई है, आपने 25 दिए, 10 और दो उसके बाद रसीद मिलेगी। तो जब 10,000 रुपये और दिए तो रसीद देगी, रसीद 20,000 की थी। और मामला ये पहले से ही हमने प्लानिंग कर रखी थी कि इन्हें पकड़ना है। तो जैसे ही रसीद ली उसने हमारे पास फोन किया, तुरंत ही हम वहाँ पहुंचे और उनसे वो पैसे बरामद किए। हाल के हाल नगर आयुक्त ऑफिस में पहुंचे और उन्होंने इस कार्रवाई को बहुत अच्छी तरह से डील किया और हमें आश्वासन दिया कि इसमें हम कार्रवाई करेंगे। वहीं इस रिश्वत खोरी की चर्चा पूरे नगर निगम में आग की तरह फैल गई। वह वीडियो भी कई जगह वायरल हो गया जिसमें दोनों अधिकारी रिश्वत ले रहे हैं, जिसे लेकर नगर निगम में हंगामा भी हुआ कि अधिकारियों को पकड़ा जाए।
जिन्होंने रिश्वत ली है। फिलहाल इस पूरे मामले में नगर निगम की मेयर नूतन राठौर ने साफ साफ शब्दों में कहा कि जो अधिकारी हैं उन्होंने 20,000 रुपए की रसीद काटी है और 15,000 रुपए रिश्वत के लिए हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कुछ दिन पहले जब नगर निगम में बोर्ड की मीटिंग हुई थी तब बीजेपी के पार्षद द्वारा यह सवाल उठाया गया था कि इस नगर निगम के अधिकारी बहुत ही ज्यादा भ्रष्टाचारी हैं और खुलेआम रिश्वत लेते हैं, लेकिन वह बात आज साबित भी हो गई। सैनिटरी इंस्पेक्टर, तो अभी जो मेरे संज्ञान में जो बात आई है, मैं अभी आई हूँ ऑफिस, कि इन्होंने किसी व्यक्ति से जो पॉलिथिन चला रहे थे उनसे अवैध रूप से ज्यादा रकम लेने की कोशिश करी, जिसमें उन्हें विद प्रूफ पकड़ा गया है कि 35,000 रुपए लिए हैं। बहुत ही गलत किया उन्होंने और दोषी करार होते हैं। नगर आयुक्त जी को पूरे आदेश दिए कि इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करें और जो दोषी उसे पूरी सजा दी जाए। मैडम, कार्रवाई के नाम पर सिर्फ वही जांच का विषय आता, जांच होगी, लेकिन जांच लगभग देखा जाता है। देखिए, अब आपके सामने हुई है, जांच होकर रहेगी और अच्छे से कार्रवाई। कितने की रसीद काटी है मैम? 20,000 की रसीद काटी गई है, लेकिन अवैध रूप से 35,000 रुपए लिए गए। तो ये चीज मोबाइल वगैरह क्लिपिंग वगैरह भी मिला है कुछ? जी, क्लिपिंग देखी है मैंने, जिसमें 35,000 अंदर जो उनको दिए हैं, 25,000 दिया है, 20,000 के बाद उन्हें 5,000 एक्स्ट्रा दिया और बाहर आकर उन्हें 10,000 और दिया। आखिरकार क्यों नहीं भ्रष्टाचार पर लगाम लगाई जा रही है? देखिए, मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ भ्रष्टाचार पर लगाम लगाई जाए और ये चीज निकल के आई है। चलिए, फेवर में है, भ्रष्टाचार निकल के आ रहा है, दोषी सामने आ रहे हैं और उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। फिरोजाबाद से राहुल चौहान की रिपोर्ट।